हमारे साथ उपस्थित हमारे पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष शिवा रघुवंशी जी, हमारे प्रभारी कपूर अतिखेड़ा जी, हमारे विजय सिंह जी, सतपाल सिंह जी, राजेश, हमारे सभी समस्त बुजुर्गण, जगदीश महाराज, अशोक शर्मा जी, मोहकम सिंह जी, रणवीर सिंह जी, रघुराज सिंह जी, पप्पू सिंह जी, हरी सिंह जी, रामपाल, राम सिंह जी, पहल हरी सिंह जी, रेवराज सिंह जी, ब्रजेश सिंह जी, इंद्रभान सिंह जी, डॉक्टर विष्णु सिंह जी, जगदीश प्रसाद शर्मा जी, कमलू हरिजन जी, तूफान सिंह जी, हमारा निकाना हरिजन, भरोसा हरिजन, समस्त हमारे उपस्थित महानुभव। और मेरे लिए मेरी अपनी जलालपुर की मेरी जनता नहीं, मेरे परिवार के सदस्य। मैं पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था। मनुष्य के जीवन में कभी कभी वो पल आता है जब मनुष्य अपना संपूर्ण निवेश, संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण भावना अपने परिवार के सदस्यों के लिए निछावर कर लेता है। एक ऐसा ही दिन 2002 में जब सिंधिया परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा था, जब इस क्षेत्र की विकास और प्रगति की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आई और इसी जलालपुर ने जो बारंबार मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया को आशीर्वाद प्रदान किया था, इसी जलालपुर ने जो मेरे पूज्य पिताजी को सन 1971 से उनके जीवन के आखिरी दम तक आशीर्वाद प्रदान किया था, उसी जलालपुर ने 2002 में और उसके कई बार भी पूर्ण आशीर्वाद सिंधिया परिवार के इस मुखिया को भी प्रदान किया था। और इसलिए इस जलालपुर के लिए अभी जो विजय सिंह जी ने कहा, सतपाल सिंह जी ने कहा, मैंने जी जान लगाई। शांत हो जाएं, शायद ऐसे कुछ कम गांव होंगे जो ये कहानी बखान कर पाए। अभी जैसे सतपाल ने कहा, ये सच्चाई है। जब 2002 में पहली बार मैं आया था, ये जलालपुर की सड़क नहीं थी, वो जलालपुर की सड़क नहीं थी, मथनेर जाने वाली जलालपुर की सड़क नहीं थी। हाँ, सड़क नहीं थी पर कच्चे पगडंडी जरूर थे। और उस समय इस मंच पर आप लोगों की एक ही मांग थी कि महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे क्षेत्र के सड़कों को दुरुस्त कर दो, हम जी नहीं पा रहे हैं। कोई किसान अपना अनाज मंडी ले जा रहा है तो आधा अनाज सड़क पे गिर रहा है, कोई व्यक्ति घर में बीमार हो रहा है तो इलाज के पहले ही दम तोड़ रहा है। और मैंने कहा कि आप मेरे परिवार, मैंने आपके लिए सांसद के रूप में काम नहीं किया है, मैंने आपके लिए आपके परिवार के मुखिया के रूप में काम किया है। परिवार का मुखिया का दायित्व तो क्या होता है, चाहे घर में बाल बच्चे हों, घर में बुजुर्ग हों, उनकी आशा और अभिलाषा पर हमें खड़े उतरना है, उनकी हर अभिलाषा को हमें पूर्ण करना है। मेरा आपके साथ रिश्ता, जो रिश्ता मेरी माँ के साथ है, मेरी पत्नी के साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, वही रिश्ता मेरा आपके साथ है।
जब ये गुहार जलालपुर में उठी, और केवल जलालपुर में नहीं, ये पूरे ट्रैक में, आज 100 किलोमीटर तय करके मैं आ रहा हूं अशोकनगर से, तुमेन से, कचनार से, अखाई टप्पा से, काका खेड़े, एक एक गांव को छू छू कर मैं पहुंच रहा हूं। वही हालत थी इस पूरे ट्रैक में। आज मखमल की तरह सड़कें आपके लिए बन गई हैं, पर मैं उतना ही काम आपके लिए कर सकता हूं जितना आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे। पिछले बार जो सत्यपाल ने कहा, मुझे भी आश्चर्य था कि जिस जलालपुर के लिए मैंने जी जान लगाई, 15 वोट से हम लोग रहेंगे, आपका काम क्या है? आपका काम है 5 साल में आपको 1 घंटा मुझे देना है। मेरा काम क्या है? ओ युवा मोर्चा, इधर आओ, इधर आओ विशाल, इधर खड़े रहो। आपका काम है 1 घंटे का, मेरा काम 5 साल है। मेरा काम है जिंदगी भर, क्योंकि मेरा और आपका लेन देन का रिश्ता नहीं है। आपने बटन दबाया, मैंने 5 साल दिए, आपने बटन दबाया, मैंने 5 साल दिए, आपका और मेरा एक हृदय का संबंध है। हृदय में के संबंध में कोई देखा नहीं जाता, हृदय के संबंध में तो आंख मीच के भैया जान जाए पर वचन न जाए, ये भावना होती है। ताली तो आपने बजाई पर भावना गायब हो गई पिछले बार। अरे भावना तुमने इसे नहीं मारा। और मैंने तो अभी केवल सड़क की बात की, बिजली का क्या हाल हुआ था, और खेती नहीं हो पा रही थी और रात भर मच्छर काटते थे, दिन में सड़क नहीं, रात में लाइट नहीं। और जो इसने कहा सही, किसी बिजली विभाग के अफसर ने मेरे साथ सहमति नहीं बनाई। सेमराहाट में बिजली का केंद्र, मथनेर में ये आपका जिला, सेमराहाट के अलावा अभी मसीदपुर से आ रहे हैं, वहां मैंने लगाया। कैसे कर सकते हैं साहब? नहीं कर सकते, संभव नहीं है। मैंने कहा संभव नहीं है, मैं संभव बनाता हूं, जलालपुर में सबस्टेशन बनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा हृदय का संबंध। तो पिछले बार में तो आपने मेरा दिल तोड़ दिया ना, सुन लो आप, संबंध बनाने में बहुत समय लगता है, संबंध टूटने में 1 सेकंड लगता है। फिर दोबारा नहीं, वो प्लास्टिक की बोतल की तरह नहीं है, ये कांच की बोतल की तरह है। एक बार अगर हाथ से गिर जाए दोबारा बनाना मुश्किल होता है। मैं भावनात्मक तरीके से बोल रहा हूं, मैं नेता के रूप में नहीं बोल रहा हूं। शायद मेरी कोई गलती, इतनी बड़ी गलती हुई हो, जो गुना शिवपुरी अशोकनगर संसदीय क्षेत्र ने निर्णय किया कि महाराज आपकी जरूरत नहीं है इस बार। पर आपके लिए तो जी जान काम किया था, तो फिर आलसीपन क्यों? ये तरीका है। सही।
पर देखो मैं आपको बता रहा हूं, राजमाता साहब ने पहला चुनाव कांग्रेस से लड़ा था, फिर भाजपा से लड़ा, कांग्रेस से लड़ी तो जिताया, भाजपा से लड़ी तो जिताया। आप दल नहीं देखते, आप सिंधिया परिवार को देखते हो। ये कलयुग का जमाना आ गया, 1952 में नहीं था ये। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, सुन लो। 52 में कांग्रेस से लड़ी, उसके बाद बीजेपी से लड़ी, जनसंघ से, उसके बाद जनता पार्टी, उसके बाद बीजेपी। आपने कभी दल नहीं देखा, आपने राजमाता साहब को देखा, बड़े महाराज। पहले बार लड़े तो जनसंघ से लड़े, 71। उसके बाद लड़े तो कांग्रेस से लड़े, जनसंघ से लड़े, कांग्रेस को लड़े। आपने कभी दल नहीं देखा, आपने बड़े महाराज को देखा। मैं 2002 में लड़ा, 2004 में लड़ा, 2009 में लड़ा, 2014 में लड़ा। आपने मुझे देखा, आपकी दृष्टिकोण तो क्या हो गई? तो इसलिए मैं समझा रहा हूं, और इसलिए मैंने ये प्लास्टिक की बोतल का उदाहरण लेके समझाया। बिना दिल दिमाग प्लास्टिक का होता है, दिल कभी प्लास्टिक का नहीं होता, दिल कांच का बनता है। अपने घर में सोच लो, अगर अपने आप में अपने पिता के साथ, माता के साथ, बच्चे के साथ, बच्ची के साथ रिश्ता तोड़ा तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इस संबंध को मैं अपना पूंजी मानता हूं, इस संबंध को आप अपना पूंजी मानो। तो मुझे बहुत लोग मंच पे कह रहे थे, अहिरवार समाज के बारे में बात करिए। अरे भाई, जिस अहिरवार समाज के का जुड़ाव और जाटर समाज का जुड़ाव सिंधिया परिवार के साथ रहा है, हम जाटर समाज, हर एक समाज, रघुवंशी समाज, ब्राह्मण समाज, कोरी समाज, ओझा समाज, हर एक यादव समाज, हर एक समाज के हम रक्षक हैं भैया। तो चिंता किस बात की? उस कांग्रेस को वोट देंगे जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को हरा दिया। इतिहास याद रखो, किसी दल ने बाबा साहब अंबेडकर के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा, केवल कांग्रेस पार्टी ने उतार के बाबा साहब अंबेडकर को हराया। वो कांग्रेस पार्टी को जिस कांग्रेस पार्टी ने जाट समाज की वोट पर राजनीति 75 वर्ष पे की है, लेकिन उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। केवल एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने संविधान दिवस संसद में आयोजित करके 2 दिन बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर चर्चा करवाई। केवल एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नागपुर से लेके, मुंबई से लेके, दिल्ली से लेके, लंदन से लेके मऊ तक पांचों स्थान बाबा साहब अंबेडकर का, वहां भव्य इमारत बनाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक ही प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार संत रविदास जी की मंदिर सागर में 100 करोड़ की बना रही है। एक ही प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में मैं डबरा में, जोरासी गांव में 25 करोड़ रुपए का बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पूरी इमारत बना रहा हूं बच्चों की पढ़ाई के लिए। मेरे भाइयों ने क्या किया है कांग्रेस ने जाट समाज के लिए? जाट समाज का लगाव सिंधिया परिवार के साथ रहा है। सांची के विधायक प्रभु राम चौधरी जी को मैंने स्वास्थ्य मंत्री बनवाया था, डबरा की विधायिका इमरती देवी जी को महिला बाल विकास मंत्री मैंने बनाया था,
तुलसी सिलावट जी को जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार का मैंने बनाया था कांग्रेस के शासनकाल में और बीजेपी के शासनकाल में भी। क्या कर रही करेगी कांग्रेस आप अगर वहां वोट दोगे? मैं जाट समाज को देश भर में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं, तिलांजलि दो कांग्रेस को जो आपके वोट पर भारत में सनातन धर्म नष्ट करने की बात करती है, जो आपके वोट पर लेकर आपके साथ अत्याचार करती है, जो आपके वोट पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है, उस कांग्रेस को तिलांजलि देने का समय आ गया है। आपके साथ मैं खड़ा हूं, हर समाज के साथ, हर व्यक्ति के साथ। मेरे रहते हुए अशोकनगर जिले में किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार नहीं होगा, ये आपको मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं। कोई भी लोग अगर अशोकनगर में गलत काम करेंगे, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। 5 साल में नहीं रहा हूं, मैं सुन रहा हूं बहुत कहानी भ्रष्टाचार की। राशन की दुकान पर फरेबी की, भूमाफिया की, मैं सबको चुनौती दे रहा हूं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं जो गलत काम करेगा मेरे क्षेत्र में। आपका विश्वास, आपकी विचारधारा, आपका आशीर्वाद सिंधिया परिवार के साथ रहे, आपका झंडा पूरे देश में फहराने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरा वोट डलेगा 7 तारीख को। मुट्ठी हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा अच्छा, एक बात और। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम जो 500 साल से टेंट में विराज रहे थे, उनको मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके रखवा दिया, 500 साल का सपना पूरा कर दिया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और जो लोग मैं निवेदन करना चाहता हूं, 7 तारीख को बहुत गर्मी पड़ने वाली है, तो सुबह 7 बजे उठ के मतदान करना। और इस बार जलालपुर का मतदान मैं अपने आप देखने वाला हूं। तैयार हो। एक एक डलेगा, कमल के फूल पर डलेगा। कैसे डलेगा? नहीं, खटा नहीं, ठका ठका ठक ठका ठका ठका। पीछे से बोलो, ठका 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 ठका। कमल के फूल के निशान पर वोट डलेगा। नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करोगे, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।